हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग बिहार में। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो लोग एडवांटेज किट का यूज़ करते हैं उनके मन में काफ़ी सारा सवाल होता है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं, जिन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो पहला सवाल ये है कि जो लोग एबॉर्शन किट का उपयोग करते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनका जो गर्भपात है वो अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं। तो पहला सवाल यही है। तो हम जानते हैं, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर हम एडवांटेज किट का उपयोग करते हैं या फिर कोई भी एबॉर्शन किट का उपयोग करते हैं तो हम कैसे पता करें कि हमारा जो एबॉर्शन है वो अच्छे तरह से क्लियर हुआ है या नहीं। इसका एक तरीका है मेडिकल टर्म में अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स एंड लक्षण होते हैं जो कि आपको टैबलेट यूज़ करने के बाद आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो गर्भपात है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो बात करते हैं इन लक्षणों के बारे में। अगर आपने एडवांटेज किट या फिर कोई भी टैबलेट का आपने मतलब एबॉर्शन किट का कोई भी एबॉर्शन किट का अगर आपने उपयोग किया है, उसके बाद आपकी जो है ब्लीडिंग उसके 24 आवर के बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपकी जो है ब्लीडिंग हो रही है और वो 4 से 5 दिन लगातार आपकी ब्लीडिंग हुई है, इसके बाद बंद हो गई, फिर उसके लगभग 1 सप्ताह या फिर 4-5 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर फीटस का कुछ पार्ट रह गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एबॉर्शन है वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि जब आपका एबॉर्शन अच्छे से होता है तो जैसे ही आप टैबलेट का यूज़ करेंगे एबॉर्शन किट का, तो उसके लगभग 24 घंटे के अंदर ही आपकी हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जितना ब्लीडिंग आपके पीरियड में होता है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग होगी, वो भी कम से कम 15 से लेकर के 21 दिनों तक हैवी ब्लीडिंग होगी। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आपने यूज किया है टैबलेट और आपकी ब्लीडिंग रुक गई है फिर से स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर से मिलें। इसका बस एक ही उपचार है, अपने डॉक्टर से मिल करके जो सर्जिकल एबॉर्शन होता है वो करवा लें। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें। जो लोग एबॉर्शन किट का यूज़ करते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि एबॉर्शन किट का यूज़ करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहला नंबर जो प्रॉब्लम है वो आपको अत्यधिक ब्लीडिंग होना, और दूसरा आपको जैसे ही टैबलेट यूज़ कीजिएगा उसके 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीवर आना, या तो फिर आपको उसके 24 घंटे के अंदर बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं आना। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से मिल करके अपना गर्भपात सर्जिकल तरीके से करवा लेनी चाहिए। सवाल नंबर तीसरा, अगर आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो कितना परसेंट खतरा होता है कि आपका गर्भपात सफल हुआ या नहीं। तो 2 से लेकर के 5% तक इसका असफल होने का खतरा होता है, कि आपने जो मेडिसिन यूज़ किया है वो 2 से लेकर 5% तक असफल हो सकता है। चौथा सवाल कि अत्यधिक ब्लीडिंग किसे कहते हैं, यानी कि अगर आपने एबॉर्शन किट यूज़ किया है तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी बहुत अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है। पहली बात कि आपकी जो पीरियड की नॉर्मल ब्लीडिंग है उससे कई गुना ज़्यादा एबॉर्शन के टाइम में भी ब्लीडिंग होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस टाइम पे उससे भी अधिक ब्लीडिंग होगी। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको 1 घंटे में 3 से लेकर के 4 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एडवांटेज किट वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट्स किया था कि उन्होंने एडवांटेज किट का यूज़ किया और जैसे ही ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट से जाँच किया, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो अब वो क्या करें। तो देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एबॉर्शन कराते हैं तो उसके तुरंत बाद ब्लीडिंग जैसे ही ख़त्म, माना कि अगर आज आपने टैबलेट लिया है इसके 10-15 दिन या 21 दिन तक या फिर 1 मंथ तक आपकी ब्लीडिंग हुई है और जैसे ही ब्लीडिंग रुका उसके 1 दिन बाद आपने टेस्ट कर लिया, तो ये गलत बात है। उसके तुरंत 1 दिन के बाद आप टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अगर आप वो टेस्ट करते हैं तो आपका रिज़ल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा ही, जो कि बिल्कुल फॉल्स है।
तो कम से कम आप एबॉर्शन के 2 से 3 वीक के बाद ही अपना टेस्ट करें, इससे पहले आप अपना टेस्ट बिल्कुल भी ना करें। एबॉर्शन किट से रिलेटेड जो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे उसका जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर कमेंट्स करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। एक कमेंट्स के द्वारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें किसी ने पूछा है कि उनकी एक 16 महीने की बेटी है जो कि सिजेरियन हुई है और फिर वो अभी प्रेग्नेंट है, तो क्या वो गर्भपात कर सकती है या नहीं। तो जी, आप गर्भपात कर सकते हैं, लेकिन एक से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का गैप जरूर रखें। बहुत सारी ऐसे गर्भ निरोधक उपाय हैं जिसको करके आप एक से दूसरे बच्चे के बीच में 2 से 3 साल का अंतर आप कर सकते हैं। अनवांटेड किट वाले वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसका मैं जवाब दे रही हूँ। उसमें एक कमेंट ऐसा था कि 56 डेज का गर्भ है और उसने अनवांटेड किट का यूज़ कर लिया है, जबकि मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया था कि 50 से लेकर के 49 दिन का अगर हो तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका 56 डेज़ का था और आपने यूज़ कर लिया और आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने ये गलती कर लिया है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें। और ख़ास करके मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उस पर दिए गए निर्देश का पालन भी ज़रूर करें, क्योंकि मैंने उस अनवांटेड किट वाले वीडियो में यह बता दिया था, पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी आपने ले लिया। उसी वीडियो पे किसी ने एक सवाल और किया कि उन्हें पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि टेस्ट करने से पहले ही कुछ दिन 5-6 दिन पहले उसने कीड़े मारने की दवाई यूज़ कर ली थी और जब उसका पीरियड मिस हुआ और उन्होंने टेस्ट किया तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी और उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्या उसका जो बच्चा है वो सुरक्षित है या फिर कुछ खतरा है। तो पहली बात, अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो रही है तो हो सकता है कि आपका जो गर्भ है वो गिर सकता है। अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर करें। इसके लिए अपना ख्याल रखें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।